पूरी पब्लिक आई हुई है। बाउंसर भी हैं भैया। हमारे पवार समाज एकता मंच के सभी कार्यकर्ता और सभी नागपुर वासियों से मेरा निवेदन है कि देव पवार जी का एक बार ताली बजा करके जोर के इनका हल्ला करके स्वागत करेंगे। हमारे बीच पवारी किसान, हमारे भाई बरघाट क्षेत्र किसान देव पवार जी पहुंच चुके हैं। इनकी शान में दो लाइन कहूंगा, इसके पश्चात देवाधिदेव गणेश जी ने सभी देवी देवताओं में किसी शुभ कार्य के लिए सर्वप्रथम पूजा जाता है उसे हरि कीर्तन में आमंत्रित करूंगा। बिना फूलों के, बिना खुशबू के बगिया में बहार हो और जितने जल्दी कम समय में अंधेरे में चौंके, ऐसा हमारा देव पवार हो। हेलो, हमारे बीच उपस्थित हमारे पवारी किसान भाई देव पवार जी आए हुए हैं और इन्हीं के स्वागत में दो लाइन कहने जा रहा हूं। जय स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम पवारी में हिंदी में बोलता हूं तो मामला अच्छा फंसता है। मैं कॉमेडी करता हूं, मेरे जैसा युवा हमारे सिवनी बालाघाट के इतिहास में एक इतिहास रहा है कि निर्दलीय सांसद हमने दिया है। लेकिन पवार समाज से अगर मेरे जैसा युवा अगर आप तक आपके दो तक जगह बना पाया, उसका एक कारण है कि मैंने कॉमेडी कर करके, मैंने वीडियो बना बना के लोगों के बीच जाके अपनी पहचान बनाई है। मुझे इस बात की चिंता है, मुझे इस बात की चिंता, अगर ये देव पवार एक बार दब गया, एक बार पीछे रह गया, दूसरा देव पवार कब पैदा होगा, कब कॉमेडी वीडियो बनाएगा, कब लोगों के बीच में जाएगा और कब सांसद चुनाव। तो इस पवार समाज के ऐसे युवाओं को दबने मत देना। मैं अपने समाज से भी कह रहा हूं जो मेरे क्षेत्र पे रहता है, अगर हमारे जैसे युवा अगर दबा दिए गए, कुचल दिए गए, तो हमारे को फिर एनाकोंडा सांपों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, यहां भी बच सकती थी। हमारे समाज में बड़े बड़े नेता हैं, हमारे समाज में मंत्री हैं, हर कोई, हमारे समाज में कोई कमी नहीं है। हमारे समाज में लखपति है, करोड़पति, अरबपति भी हैं। लेकिन जैसा कि अभी हमारे बुजुर्ग लोग यहां पे अभी थे, वो बात कर रहे थे, मैं एक बात आपसे और करना चाहूंगा जो मैंने अपनी बातों को मुख्य तौर पर रखता हूं। जैसे आप लोग नागपुर में रहते हैं, अगर कोई लड़का नया नया गांव से आ रहा है, मैं इसके पहले नागपुर में 2015 में मैं नागपुर आया था, जितने मेरे युवा साथी हैं, अगर हमारे बरघाट से, सिवनी से, बालाघाट से कोई आता है, ईंट गाड़े का काम करने भी अगर आता है वो, तो आप लोग सहयोग उसको करना।
तब जाके हमारी आज जो संख्या दिख रही है यहाँ पे ना बेटा, ये पूरा ग्राउंड खचाखच भरा रहे और पूरे नागपुर में हम मिलकर रौंदाड़ा मचाएंगे। कैसा करेंगे? ऐसा बोलो ना गा, भूख लग गई क्या? भात खाओगे क्या? अब वो तो हाउ कहते हैं। कैसा रे भांगा? आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम के उद्घाटक उत्तर नागपुर को उत्तम नागपुर बनाने वाले महाराष्ट्र राज्य के माजी मंत्री विकास पुरुष आदरणीय डॉक्टर नितिन राउत साहब सिवनी बालाघाट से आए, श्री देव पवार जी हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं, आप अग्रिम लोकसभा में सभासद बन के आए। आ जाओ भगत जी, आ जाओ हर मन में, आ जाओ आ जाओ।